इधर छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ठीक दीपावली से पहले आई। राज्य सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 959 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आपको बता दें कि 975 पदों की भर्ती के लिए 2018 में भर्ती परीक्षा ली गई थी, इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, दौड़ लगाई, मुंडन कराया, प्रदर्शन किए, लाठियां खाली, और अब वो खुशखबरी आ गई है। हाईकोर्ट ने 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। छह साल बाद अब जाकर रिजल्ट जारी हुआ। और रिजल्ट जारी होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। सीएम ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। हमारी सरकार ने पुलिस विभाग में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित सभी 959 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर मिलेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चयनित युवाओं और उनके परिजनों को पुनः बधाई। ये विष्णुदेव साय कह रहे हैं। और वहीं एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर सब इंस्पेक्टर के लिए चुने गए अभ्यर्थियों ने खुशी जताई और इसके लिए सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। सब इंस्पेक्टर रिजल्ट आ गया है मेरा और सब इंस्पेक्टर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हीरामणि पाटनवार। अब सब इंस्पेक्टर रिजल्ट आ गया है मेरा और सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमारे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जितना भी मीडिया कर्मी है उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी ने हमारा बहुत सहयोग दिया और 6 साल के लंबे संघर्ष पर आज रिजल्ट आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना खुशी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार अभी खुशी में डूबे हुए हैं। आप सभी का इनकी खुशी का पूरा सम्मान है, पर अंदाजा लगा लीजिए डबल इंजन, विश्वगुरु, इन सब शब्दों के साथ 6 साल लग जाता है एक एग्जाम के लिए। एसआई अभ्यर्थियों को 6 साल का इंतजार था, आखिरकार आज उसका ऐलान हो गया। एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए गए। आपको यह भी याद दिलाएं कि हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए थे। अब यह परिणाम उन सभी उम्मीदवारों के लिए दीपावली के तोहफे से कम नहीं। बिलासपुर के बद्री साक्षी यादव का भी चयन हुआ है। आई थी उसको पूर्ण कर ली गई है। आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ श्रीमती बद्री साक्षी सिंह मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना लंबा इंतजार रहा है ये आपका और कैसा लग रहा है आज जब परिणाम आ गया। आज को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने 7 साल इंतजार किया। 2018 की भर्ती थी ये। चलो देर आई दुरुस्त है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया हमारा। आज बहुत खुशी हो रही है। एक लंबा संघर्ष भी हमने देखा आप लोगों का। लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किए और उस दौरान कई तरह की बातें भी घर में होती रही होंगी कि अब क्या करेंगे आगे। जी थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहता था कि रिजल्ट इतना लेट हो रहा है। पूरे 1 साल इंटरव्यू के दिए हुए थे हम लोग को, क्या करें करके हम जाके सरकार से आग्रह करते थे, सर हमारे रिजल्ट निकाल दीजिए करके। वो हमको आश्वासन देते थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार से भी हमको ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब उन्होंने कहा था कि दिवाली को आपको तोहफा मिलेगा, वो तोहफा आज मिल चुका है। बलौदा बाजार में भी एसआई की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट आने पर खुशी जताई और एक दूसरे को बधाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक बहुत बड़ा कोई युद्ध लंबे समय से चल रहा था और अचानक से जीत हासिल मिल गई हो, क्योंकि सोचे नहीं थे कि अचानक से आज सुबह ही आ जाएगा करके। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश आया था कि दिवाली से पहले तक निकाल दे करके रिजल्ट, तो अचानक से एकदम से हम लोग शौक हो गए और बहुत खुशी हुई। वर्ष 2019 से पुलिस दूरसंचार केंद्र बलौदा उजार में मतलब पोस्टेड हूँ यहीं पे। तब से हम लोग डाले थे 2018 में फॉर्म, तब से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते अपनी मेहनत किए हैं तो रिजल्ट आया तो अच्छा लगा आज।
वहीं एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदर्शनकारियों के दबाव के बाद नतीजे जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर रिजल्ट आ गया है मेरा, सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमारे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये खुशी वाला बयान है जो आपने सुना। दीपक बैज कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के दबाव में दरअसल ये नतीजा आया है, हालांकि अदालत के आदेश का भी इसमें बड़ा रोल है। अब बात सूरजपुर डबल मर्डर की। सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है। कुलदीप साहू ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया था, इसे लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 14 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप कुलदीप साहू पर है। सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रशासन का बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ, जहाँ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। यहाँ मुख्य आरोपी जो कुलदीप साहू, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ देख सकते हैं सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, राजस्व अमला यहाँ पर मौजूद है और 3 JCB वाहन लगी हुई है, जहाँ अभी यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर इस मकान को जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर काबिज है, वहाँ ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो आक्रोश का माहौल था, लोगों की जो मांग थी और लोगों में जो गुस्सा बना हुआ था, जिससे दोहरे हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर अब यहाँ बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है प्रशासन का। जहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सरगुजा संभाग भर से यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये जो कार्रवाई है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रशासन तैनात है और ये कार्रवाई फिलहाल जो है दोहरे हत्याकांड को लेकर यहाँ पर बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ऐसे में अब कितने जो 6 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, कितने आरोपी के घर पर ये बुलडोजर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताए। और सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में ये एक्शन हुआ है। डबल मर्डर मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चला तो कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई अन्य विषयों से ध्यान हटाने के लिए की गई। बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अन्य विषयों से ध्यान हटाने के लिए की गई है। किसी एक अपराधी के घर बुलडोजर चलाकर जनता का ध्यान भटकाना सही नहीं। देखिए, सरकार विषय से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई से हासिल क्या होगा? सरकार वास्तव में चाहती है कि कानून व्यवस्था सही हो, तो सबसे पहले गृह मंत्री को हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। आप सूरजपुर में आरोपी के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे, आप लोहारी डे में प्रशांत साहू की हत्या के मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं, बलरामपुर में हत्या के मामले में अभी तक आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, बलौदा बाजार की घटना के बारे में आज तक आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो किसी एक अपराधी के घर पे बुलडोजर चला के आप जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। वैसे कुछ मामलों में सियासत को शर्म जरूर आनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, 8 से 12 साल की बच्ची, 21 बार उससे चाकू पर हमला किया गया, चाकू से उसे काटा गया और जो आरोपी है वो कांग्रेस के नेता है। इधर सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस करती है। देखिए, मैंने कहा कि जो अवैध निर्माण है, गैर कानूनी निर्माण है, वो कानून सम्मत ढंग से किए जा सकते। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, न उनके पास नेता है, न नीयत है, न काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे, इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे। और अगली खबर से पहले मैं आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। 12 साल की बच्ची, 20 बार इसको चाकू मारा गया था और 9 बार उसकी गर्दन के आसपास किए गए थे, उनके लिए ये बयान चल रहे हैं। अगली खबर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड में एक और मरीज की तबीयत बिगड़ने पर रायपुर से लाया गया है। मरीज को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। इस मरीज का भी 18 अक्टूबर को कैंप में ऑपरेशन किया गया था। आरोप यह है कि फंगस वाली ओटी, ऑपरेशन थिएटर जहां ऑपरेशन किया जाता है, फंगस वाली ओटी में ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की तबीयत खराब हो गई थी।
और दंतेवाड़ा के मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस की 6 सदस्यों की टीम जिला अस्पताल पहुंची है, मरीजों से बातचीत की है, मामले को लेकर एक पड़ताल भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। लखेश्वर बघेल की अगुवाई में टीम अस्पताल पहुंची थी। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने मेकाहारा में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, घटना को दुखद बताया, दवाइयों की गुणवत्ता के साथ ओटी के रखरखाव पर सवाल उठाए। तो ये लापरवाही का मामला, ऑपरेशन के बाद कई मरीजों के आंखों में इन्फेक्शन हो गया दंतेवाड़ा में, और उसके बाद कुछ को रायपुर रेफर किया गया, कुछ को जगदलपुर रेफर करके इलाज करवाया जा रहा है। ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर सियासत भी हो रही है, बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस के जो संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ अच्छा काम किया जा रहा हो। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के पहले धमतरी, हर जगह मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कल ही दंतेवाड़ा में 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, और जो हमारे पास सूचना आ रही है कल उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन किसी के भी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है, आज कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग भी मिलने जाएंगे। रायपुर में उपचुनाव को लेकर सियासत हाई है, वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए उपचुनाव में कांग्रेस के अंदरूनी कलह बताई गई है। आकाश शर्मा को कांग्रेस के नेता पीछे से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, कन्हैया अग्रवाल। उसमें यह भी लिखा है कि तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। और खबर रायपुर से, बीजेपी उम्मीदवार ने मौलाना को गले लगाया, गले लगाने का वीडियो वायरल हुआ। सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव के दौरान क्या क्या करेगी बीजेपी। चुनाव है, अभी गले भी लगेंगे, चुम्मा भी लेंगे, सब चीज करेंगे। और सोच लीजिए कांग्रेस कितना मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, चुम्मा लेने के लिए। तो अभी तो चुम्मा है, चुनाव के बाद उम्मा है। और सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। बीजेपी ने वीडियो को फर्जी बताया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी मिलनसार छवि से कांग्रेसी भयभीत है। विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। और विपक्षी राजनीतिक दल के नेता सुनील सोनी जी की मिलनसारिता के स्वभाव से भयभीत होकर उनके प्रचार प्रसार और उन्हें जो जनमानस का सहयोग और समर्थन मिल रहा है उससे भयभीत होकर ऐसे वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फेक वीडियो के लिए FIR दर्ज कराने वाली है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। इधर भिलाई स्टील प्लांट में आज हड़ताल है, हजारों कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। एरियर और बोनस की मांग को लेकर, ऐसी कई और मांगे भी हैं, एरियर और बोनस उसमें प्रमुख है, उसे लेकर यह हड़ताल है। संयुक्त ट्रेड यूनियन की अगुवाई में यह हड़ताल की गई है। इधर सारंगढ़ में एक घूसखोर पटवारी कैमरे में कैद हुआ है, रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। नाम सही कराने के लिए इसने घूस मांगी थी किसान से, 15,000 की रिश्वत इसने मांगी थी, और अब घूसखोरी का ये वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर कोरबा में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर पर शिकंजा कसा गया, पुलिस ने कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया है। ये लंबे अरसे से फरार था, पुलिस ने इसके लिए
बाकायदा एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। सैकड़ों लोगों से ठगी का आरोप इस पर लगा है। कलकत्ता से कि एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाते हुए जाने के फिराक में शांतनु घटक नाम का एक आरोपी है जो फरार था, उसको हिरासत में लिया गया था और उनको लोकल पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया था। इस सूचना पर यहां से मानिकपुर पुलिस की एक टीम कलकत्ता गई थी और वहां से शांतनु को लेकर के आई हो और विधिवत उसे गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। खबर बिलासपुर से, जहां पति पत्नी की आत्महत्या के मामले में कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। सतीश देवांगन की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाने का। पैसों के विवाद में ये दबाव बना रहा था और इस दबाव के चलते पति पत्नी ने खुदकुशी की। दुर्ग में डकैती का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर से इसे अरेस्ट किया गया है। इस आरोपी के पास से 60 तोला से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। अंजारा इलाके में डकैती इसने की थी और अब तक 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 फरार हैं। इनकी तलाश अभी भी की जा रही है। और अब